डिमोनेटाइजेशन के बाद पेटीएम जो है और भी ज्यादा पॉपुलर हो गया है। मुझसे बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा है, इसलिए मैंने पेटीएम से रिलेटेड एक पूरी सीरीज बना दी है जिसमें लगभग मैंने सभी टॉपिक को कवर किया है। अगर कुछ छूट जाता है तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। नॉर्मली पेटीएम के बारे में आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी चलिए नॉर्मल वे भी जान लेते हैं कि पेटीएम क्या है। हेलो दोस्तों, मैं हूं तौसीफ और आप देख रहे हैं बिलीव फॉर यू। पेटीएम एक ई कॉमर्स प्लस ई वॉलेट प्लेटफॉर्म है जिसने अपनी जो शुरुआत है वो नॉर्मली मोबाइल रिचार्ज और बिल पेमेंट से की थी, लेकिन आज के डेट में वो एक बहुत ही पॉपुलर ऑनलाइन जो है मार्केट प्लेस बन गया है, जहाँ पे लगभग आप सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। कुछ भी आपको खरीदना हो आप खरीद सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि आपको अगर डीटीएच का बिल पे करना हो या फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी गैस का बिल पे करना हो, और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। वैसे ही आप टिकट बुक कर सकते हैं, फ्लाइट हो, रेलवे हो, या फिर आप मूवी टिकट बुक करना चाहते हो, बस का टिकट बुक करना चाहते हो, सारी चीज़ें जो है आप कर सकते हैं। उसके अलावा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो है वो है उसका बैंक का भी लेन देन, आप जो है पैसे का लेन देन जो है वो आप कर सकते हैं। आप कहीं पे लोकल स्टोर में जो है अपने पेटीएम वॉलेट से आप पेमेंट कर सकते हैं, किसी फ्रेंड को, फैमिली में किसी को अगर पैसे भेजने हो तो आप उनके मोबाइल नंबर पे डायरेक्टली पैसे भेज सकते हैं, और वो अगर चाहें तो उस पैसे को बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बहुत सारे और भी फीचर्स हैं, चलिए सिंपली पहले जान लेते हैं आज के इस वीडियो में कि हम लोग जो है अकाउंट जो है वो कैसे क्रिएट करेंगे। तो अगर आपने अभी तक पेटीएम डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगी, उस लिंक को फॉलो करके आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, या फिर सिंपली आप जो है प्ले स्टोर में सर्च कर सकते हैं पेटीएम और इसे इंस्टॉल कीजिए। तो चलिए मैं इसे इंस्टॉल करता हूँ, और ये 13 MB की फाइल है तो बहुत ही आसानी के साथ आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, ये हमारा डाउनलोड हो गया है, चलिए इसे हम लोग ओपन कर लेते हैं। एंड सबसे पहले आपको लैंग्वेज चूज करना है, आप चाहें तो यहां पे हिंदी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहां पे जो भी लैंग्वेज है आप जो भी लैंग्वेज यूज करना चाहते हैं वो लैंग्वेज आप यहां से चूज कर लीजिए। मैं यहां पे जो है इंग्लिश ही रहने दूंगा एंड कंटिन्यू। ओके, हमारा जो है सेटअप हो गया, सिंपली आप स्लाइड कर दीजिए। यहाँ पे आपको कुछ परमिशन देने होंगे, आप सिंपली अलाउ कर दीजिए सारी चीज़ों को। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास जो है बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले है पे, एड मनी, पासबुक, आप जो है अपने सारे ट्रांजेक्शन्स देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिचार्ज के ऑप्शन है एंड बिल पेमेंट के ऑप्शन है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, डीटीएच, गैस, मेट्रो, ब्रॉडबैंड, लैंडलाइन, सभी चीज़ों का जो है बिल आप पेमेंट कर सकते हैं। वैसे ही बुक ऑन पेटीएम, मूवी टिकट, बस, फ्लाइट, ट्रेन, कार, बस, सारी चीज़ों को जो है आप यहां से बुक कर सकते हैं। और उसके साथ ही जो है आप शॉपिंग कर सकते हैं, शॉपिंग के भी आपको यहां पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, सारी चीज़ें लगभग आपको मिल जाएंगी। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको प्रोफाइल में जाना है, यहां पे प्रोफाइल का ऑप्शन है, प्रोफाइल में जाना है और यहां से आपको लॉगिन कर लेना है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप पहले यहां पे साइन अप कर लीजिए, अलाउ, एंड यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन है, साइन अप कर लीजिए। सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है, तो चलिए मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेता हूँ। एंड आप चाहें तो ईमेल भी डाल सकते हैं, ईमेल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी डालते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। उसके बाद यहाँ पे आप पासवर्ड एंटर कर लीजिए एंड साइन अप के ऊपर क्लिक कर दीजिए। आपको पहले जो है अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा, तो यहाँ पे जो है एक OTP आएगा और उसके बाद जो है आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा, तब आप पेटीएम यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये हमारे पास जो है मैसेज आ गया है, डन। एंड यहाँ पे आपको नाम डालना है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ यासिर, एंड यहाँ पे तौसिफ। वैसे मेरा यासिर जो है ना वो निकनेम है, एंड डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से चूज़ कर लीजिए, और उसके बाद जो है मेल, फीमेल एंड कन्फर्म कर दीजिए। ओके, फाइनली जो है आपका पेटीएम अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि माय ऑर्डर, अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन किया वो चीज़ें आप देख सकते हैं, विश लिस्ट, सेव कार्ड। यहाँ पे सबसे खास बात जो है यहाँ पे आप अपना एटीएम कार्ड जो है वो सेव कर सकते हैं, ताकि अगर आप आगे कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, कहीं पर कोई पैसे भेजते हैं, तो आपको सिंपली जो है उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, लाइक CVV नंबर सिर्फ आपको डालना होगा और आगे पासवर्ड, मतलब बार बार आपको जो है कार्ड नंबर, कार्ड की इन्फॉर्मेशन, नाम वगैरह जो है वो डालने की ज़रूरत नहीं होगी, तो ट्रांजेक्शन में काफ़ी हेल्प आपको मिल जाएंगी। तो ये है पेटीएम का अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। वैसे ये नॉर्मल चीज़ें थी, बट चूंकि मैं एक पूरी सीरीज बना रहा हूँ इसलिए मुझे लगा कि ये भी बताना ज़रूरी है। अब आप कहीं पर भी जाते हैं मोबाइल प्रीपेड, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिए और उसके बाद जो है जो भी इंफॉर्मेशन है वो डालिए, अमाउंट डालिए, एंड देन आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट के साथ साथ ही जो है आपको बहुत सारे ऑप्शंस और भी मिल जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आया होगा। पेटीएम से रिलेटेड और भी वीडियोज़ जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए।
अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है वो मैं बनाता हूँ आपको चैनल के ऊपर। बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है वो आपको मिल जाएंगी। तो खैर, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।